और इस तरह दिन भर चले सस्पेंस का द एंड हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले दिन भर देश की नजरें कोर्ट पर टिकी रही, वो भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि रिमांड मिलेगी या जमानत होगी। कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं, इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी। करीब 3 घंटे तक वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम मामले का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं, 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। इन सब के बीच कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंची? आखिरकार ईडी ने क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार किया? ईडी के पास आखिर वो कौन से सबूत हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? 1.5 साल के दौरान कैसे सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के कथित शराब घोटाले की कड़ियां जुड़ती गईं? इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हैदराबाद चलिए, जहां से दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले वाकये की शुरुआत होती है। 15 मार्च 2024 हैदराबाद। करीब हफ्ते भर पहले की बात है जब ईडी ने हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। के कविता के रिमांड मिलने के बाद ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपी के साथ था। 4 दिन पहले जारी प्रेस रिलीज में ईडी ने साफ कहा कि कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली लिकर पॉलिसी में बदलाव करवाए। बदले में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए। यहीं से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कयास लगने लगे थे। के कविता के रिमांड के वक्त ईडी ने कोर्ट में ऐसे कई सबूतों का हवाला दिया। ईडी ने 2020-21-22 में नई शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता का नाम लिया, जो साउथ का शराब कार्टेल चलाती है। के कविता के अलावा इस ग्रुप में जेल की हवा खा रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एम श्रीनिवासुल रेड्डी, सारथ रेड्डी, राघव मंगोटा शामिल थे। इस ग्रुप को संचालित करने वाले अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली हैं। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें और भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। मसलन ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के सीए बुच्ची बाबू और राघव मंगोटा के बीच की चैट भी रखी और उसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा, जिसमें उसने माना कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी, जिस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था। उसी चैट में के कविता को 33% हिस्सेदारी की बात भी कही गई थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021-22 में कविता ने करीब 10 फोन बदले। ईडी को अंदेशा है कि ऐसा उन्होंने डिजिटल सबूतों को खत्म करने के लिए किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि के कविता दिल्ली शराब घोटाले में पूरी तरह सक्रिय रूप से शामिल थी। असल में के कविता का एक असिस्टेंट है बुच्ची बाबू, ये वही शख्स है जिससे ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान बुच्ची बाबू ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारा और कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, जिस घोटाले ने देश की राजधानी की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, जिससे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार होना पड़ा, जिसने एक डिप्टी सीएम को सलाखों में भेज दिया, जिससे खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों पर करप्शन का दाग लग गया, आखिर वो शराब घोटाला क्या है? क्या है वो घोटाला जिसने दिल्ली से दक्षिण तक की राजनीति को गर्मा दिया है? 22 मार्च 2021 को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया।
उससे पहले तक दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और दिल्ली में शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा, दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ का राजस्व हासिल होगा, लेकिन दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी शुरू से विवादों से जुड़ी रही। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की। तब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान दावा किया गया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरोप लगे कि कुछ लाइसेंस लेने वालों को फेवर किया गया, लाइसेंस फीस माफ की गई और बदले में मोटी रकम वसूली गई।